भगवान के भोग में गोमांस, मिशन सनातन सभ्यता का नाश, हिंदुओं का डीएनए हिलाने का प्लान डी गोड, 200 साल पहले का पढ़ा इतिहास, मुस्लिमों से बनवाए लड्डू, ईसाइयों की करवाई एंट्री, फिर रचा गंदा खेल, तिरुपति के भक्तों से धोखा, हिंदुओं की आस्था पे चोट, रेड्डी या नायडू किसकी नियत में सियासी खोट, अयोध्या में भूचाल, योगी गुस्से से लाल, मोदी ने साधा बॉन, जिसने खाए लड्डू उसे कौन दिलाएगा न्याय, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम संत, फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं, यहाँ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ में सबसे गंदा खिलवाड़ होता है, उनके आराध्य देव को बीफ यानी गोमांस मिला हुआ लड्डू भोग लगाया जाता है, लड्डू बनाने के लिए जो घी इस्तेमाल होता है उसमें सुअर की चर्बी मिली होती है, ये सब इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं। पर ये हुआ क्यों, इसके पीछे किसी का मकसद क्या था, हमने जब ये समझने की कोशिश की तो 200 साल पुरानी एक कहानी याद आई, जब अंग्रेजों ने कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जिससे कईयों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और यही धार्मिक भावनाएं भड़काने का खेल देश में फिर से शुरू हो चुका है। और ऐसा करने वाले ये बताना चाहते हैं कि बड़े बड़े पदों पे हिंदू नेता जरूर बैठे हैं, लेकिन वो भी हमें तुम्हारी आस्था को चोट पहुंचाने से रोक नहीं पाएंगे। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की सनातन सभ्यता से नफरत करते हैं, ये कभी फिल्मों में आपके धर्म का अपमान करते हैं तो कभी युवाओं को नए कल्चर का लालच देकर धर्म से भटकाते हैं, ये बड़ी चालाकी से आपके गीता रामायण पे सवाल उठाते हैं, आपका लड़का भी इसे सही लॉजिक मानकर स्वीकार कर लेता है, लेकिन आपका लड़का जब उनके धर्म पे कभी गलती से कोई टिप्पणी कर दे तो उनके साथ नुपुर शर्मा के विरोधी की तरह हजारों लोग पीछे पड़ जाते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन बहुसंख्यकों की बात कोई नहीं करता, जबकि सच ये है कि सनातनी अपनी ही संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने की लड़ाई में हारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज का युवा आईफोन खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगा सकता है पर मंदिर की लाइन में नहीं जाना चाहता, और मंदिर जाएंगे ही नहीं तो फिर वहाँ कौन से बाहरी लोग घुस कर क्या करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा। आंध्र प्रदेश के जिन तिरुपति बालाजी मंदिर में इतना बड़ा पाप हुआ वहाँ भी यही कहानी दोहराई गई। आस्था पे आघात, कौन है असली गुनहगार, तिरुपति बालाजी मंदिर में 50 साल से कर्नाटक को ऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन घी सप्लाई कर रहा था, घी के दाम बढ़ाने की बात करता है तो कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया जाता है, साल 2023 में जगन मोहन रेड्डी सरकार नया कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, तमिलनाडु की एआर डेयरी एग्रो फूड से 320 रुपए लीटर घी खरीदने का करार होता है, मंदिर में रोजाना करीब 4 लाख लड्डू बनते हैं, हालांकि कुछ रिपोर्ट 8 लाख लड्डुओं का दावा करती है जो 200 ब्राह्मण मिलकर वहीं की रसोई में बनाते हैं, साफ सफाई और शुद्धता का भरपूर ख्याल रखा जाता है, लेकिन जगन मोहन सरकार एक बदलाव करती है और मंदिर के ट्रस्ट में गैर हिंदू यानी मुस्लिम और ईसाइयों की एंट्री का रास्ता भी खोल देती है, जिसके बाद अब दो तरह के सवाल खड़े होते हैं, पहला ये कि क्या गैर हिंदुओं ने लड्डू बनाए और दूसरा ये कि क्या जगन मोहन रेड्डी के पिता जिन पे तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर में कई ईसाई निशान रखवाने के आरोप हैं, क्या उनकी आत्मा जगन मोहन के अंदर आ गई और उन्होंने जाने अनजाने में हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंचाई, जिसका खुलासा नए सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जांच के बाद करवा दिया, तो जगन मोहन रेड्डी के वकील हाईकोर्ट पहुंच गए और मामले की जांच रिटायर्ड जज से करवाने की मांग करने लगे, लेकिन जांच रिपोर्ट तो आती रहेगी, असल सवाल ये है कि जिन हिंदुओं ने ये लड्डू खाए, जिनका धर्म भ्रष्ट हुआ, उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा, दक्षिण भारत से उत्तर भारत के बंदरों की दूरी को कम करने की कोशिश में लगे पीएम मोदी ये सुनकर मौन हो गए हैं, सीएम योगी को ये सुनकर गुस्सा आ रहा है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, हैरानी की बात ये है कि अयोध्या में राम मंदिर स्थापना के वक्त तिरुपति बालाजी मंदिर से कई क्विंटल लड्डू प्रसाद के लिए लाए गए थे, वहां बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी पहुंचे थे जिनका धर्म भ्रष्ट करने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा हिंदुस्तान में कोई ऐसी हिमाकत ना कर पाए।